तो गाइस ये देखिए, अब हमने इसको 15 मिनट बिरयानी को दम लगाया है और अब हमारी बिरयानी हो गई है बनकर रेडी। और ये देखिए क्या बढ़िया लुक आ रही है गाइस बिरयानी की। मैं एक बार इसको चलाऊंगा अभी, ये देखिए। ओए होए होए होए, क्या बढ़िया बिरयानी लग रही है यार। हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस कपूर। दिल्ली वाले कौन से वाले? दिल्ली वाले। तो गाइज आपने अभी बिरयानी देखी है कि कैसे बनी है हमारी बिरयानी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने बनाई कैसे है। तो गाइज हमें दम चिकन बिरयानी के लिए ये मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, और इसमें अब हम डालेंगे सबसे पहले नमक, क्योंकि हमें इसे करना है मैरिनेट। थोड़ा ही नमक रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा, क्योंकि हमें इसकी चिकन की सब्जी बनानी पड़ेगी। और अब मैं डालूंगा इसमें अपना 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और अब मैं इसमें डालूंगा लाल मिर्च, और ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया, टेबलस्पून। और अब मैं इसमें डालूंगा ब्लैक पेपर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और थोड़ा सा मैं एक चुटकी भर डाल दूंगा जीरा पाउडर, और लास्ट इंग्रेडिएंट में डालूंगा इसमें अपना दही, जो कि मैंने फैट लिया था विस्कर की हेल्प से। तो अब हमें क्या करना है, हाथ धो के इसको बहुत अच्छे से एक बारी चम्पी देना है, और हमें इसको मैरिनेट करना है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो करना ही है। और गाइस इसको अच्छे से मिलाएं ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। तो गाइस मैंने यहाँ पे पतीले में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और अब मैं डालूंगा इसमें सबसे पहले तो अपना तेज पत्ता, और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें कि जायफल है, बड़ी काली इलायची है, हरी वाली छोटी इलायची है, साबुत काली मिर्च है, शाही जीरा है, और ये है हमारे लौंग। और अगर आपके पास कम मसाले हो तो आप कम में भी बना सकते हैं। और अब ये भी मैं डाल रहा हूँ अपना इसमें, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 नॉर्मल साइज के प्याज, और अब मैं वो भी डालूंगा इसी में ही, एक बार ही थोड़ा इसका अर्क छूट जाए तेल में। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें अपने प्याज, और अब हमें इसको करना है ब्राउन प्याजों को। गाइस चिकन में डालने के लिए हमें एक और मसाले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बनेगा हमारा जिंजर गार्लिक, हरी मिर्च और साबुत धनिया, और थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच इसमें सौंफ डाली है, और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो गाइस अब हमारे प्याज हो गए हैं ये देखिए लाइट ब्राउन, और अब मैं डालूंगा इसमें अपना ये वाला पेस्ट, जो कि मैंने अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, सौंफ और गार्लिक से बनाया है। और अब हम इसको भी चलाएंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल रिमूव नहीं हो जाती, जिंजर और गार्लिक की। तो गाइस ये देखिए, अब हमारा मसाले की जो रॉ स्मेल थी जिंजर गार्लिक की वो चली गई है, और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर अपने, और सारे डालेंगे अब हम इसमें अपने खड़े मसाले भी, खड़े मसाले नहीं गाइस, मतलब जो ये वाले नॉर्मल जो मसाले होते हैं यार। हल्दी डाली है थोड़ी सी, आधा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च भी काफ़ी सारी डाल दी थी। और ये मैं डालने जा रहा हूँ धनिया पाउडर, जो कि मैं डालूँगा 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून, और हम डालेंगे इसमें अपना नमक मैं कम ही रखता हूँ, क्योंकि चावल भी जब हम बॉईल करेंगे तो उसमें भी नमक डलेगा। और यहाँ पर है मेरे पास ये एवरेस्ट का चिकन मसाला, वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि चिकन बिरयानी है यार, मसाला तो चिकन वाला डलना ही चाहिए। और ये है मेरे पास एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बार इसको करना है पूरा मिक्स बढ़िया,
और फिर हम डालेंगे इसमें अपना चिकन। तो ये देखिए गाइस, हमारे मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लग गया है और अब हमें इसमें ऐड करना है अपना चिकन जो हमने किया था मैरिनेट, और अब वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। और दूसरी साइड गैस पे गाइस मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें हम अपने चावलों को बॉईल करेंगे अप्रोक्सीमेटली 60-70%। और इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, लौंग एंड दालचीनी। और अब हम जैसे ही हमारे पानी में बॉयलर आएगा तो फिर हम इसमें चावलों को डाल के उन्हें पकाएंगे 50-70%, और बाकी हमारे चावल पकेंगे दम लग। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम चिकन पकाएंगे अच्छे से ढक के। 15-20 मिनट लगेंगे हमारे चिकन को पकने में, वो आप देख लीजिएगा कि आपके चिकन को कितना टाइम लगेगा। तो एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और लुक एट द कलर गाइस, ये देखिए कितना रिच कलर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनने वाली है आज, आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें अब पानी भी ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा ही करूँगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 ml, क्योंकि इससे क्या होगा गाइस, पानी से ना हमारा मसाला नीचे नहीं लगेगा। तो गाइस एक बारी हमने अब इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमें इसको पकाना है अप्रोक्सीमेटली 80%, क्योंकि बाकी हमारा चिकन भी दम लग के पकेगा। तो अब मैं इसको ढक रहा हूँ, नॉर्मली ढक के पका रहा हूँ अभी तो। और इधर गाइस हमारा पानी उबल गया है और हमें डालना है इसमें थोड़ा सा नमक, आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं नमक, थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ मैं। और चावलों को गाइस इतना बॉयल के लिए हमें इतना ज्यादा पानी लेना है कि वो पूरे डूबे इसके अंदर ना चावल, ताकि वो चावल पूरे खिल के बने हमारे। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा चिकन बनके हो गया है रेडी, और अब हम इसको परोसेंगे एक दूसरे पतीले में। मैंने यहाँ पे अपना चिकन परोस लिया है ये वाले पतीले में, और अब मैं डालूंगा इसमें चावलों की एक लेयर। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने साइड में इसके आटा भी लगा दिया है दम लगाने के लिए, तो लेयर मैं लगा रहा हूँ आप। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक और छोटी सी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दम लगे। तो गाइस ये देखिए, अब हमारी दूसरी लेयर भी हमने लगा दी है, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अपना देसी घी थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा हमारी बिरयानी को, और आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं इसको। और अब मैं इसमें डालूंगा अपना एडिबल फूड कलर जो कि ऑरेंज कलर है, और ये मैं डालूंगा एक ही साइड पे। और इसको गाइस मैंने ना दूध में घोल लिया था मैंने इसे। तो गाइस अब हम इसमें डाल रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया अपना, और ये मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, इसको भी मैं तोड़ के इसी में ही डाल रहा हूँ। और ये गाइस मैंने अनियंस फ्राई करे थे जो कि डीप फ्राइड अनियंस हैं, और ये 4-5 अनियन लिए थे मैंने, लेकिन मैं सारे नहीं डालने वाला इसमें, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसको भी अब मैं ऊपर से ऐसे करके डाल रहा हूँ, और अब हमें इसको लगाना है दम 10-15 मिनट तक। और अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने ये साइड में आटा लगा लिया है, और अब हमें इसको लगाना है दम, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ दम लगने के बाद इसको। तो गाइज ये देखिए, अब हमने इसको 15 मिनट बिरयानी को दम लगाया है, और अब हमारी बिरयानी हो गई है बनकर रेडी। और ये देखिए क्या बढ़िया लुक आ रही है गाइस बिरयानी की, मैं एक बार इसको चलाऊंगा अभी, ये देखिए, ओए होए 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 होए, क्या बढ़िया बिरयानी लग रही है यार है? तो ठीक है गाइस, ये देखिए ये हमारी बिरयानी की लुक है, तो मिलते हैं आपसे टेस्टिंग पे। तो गाइस ये देखिए, रियाना करने जा रही है टेस्टिंग। हड्डी आ गई, सॉरी। कोई नहीं, चिकन है तो भैया हड्डी तो आएगी। बहुत बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी
और मैं बिरयानी के साथ तो हमेशा चटनी लेना प्रेफर करती हूँ। ये चटनी मैंने बनाई है टमाटो, गार्लिक और ड्राइड जो मिर्ची होती है रेड वाली, उससे बनाई है। बहुत टेस्टी बनी है दोस्तों, आप लोग भी इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी रेसिपी से रिलेटेड कुछ लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हम आपसे मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।